आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आधार से लेकर, ठीक है, क्योंकि आज मैं आधार को लेकर यहाँ पर आधार सर्विस सेंटर पर गया और वहाँ से वो फॉर्म को वहाँ पर जमा कर रहे थे और ऐसे में काफ़ी लंबी लाइन थी, ठीक है। और उसके बाद उनका जब नंबर आता था तो वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट में कमी निकलती थी, ठीक है, और जो उनका आधार था वो यहाँ पर अपडेट नहीं हो पाता था, ठीक है। तो चलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और इसी के साथ में आपको कौन सी चीज़ अपने आधार में बदलाव करानी होगी, तब आपको यहाँ पर कितने पैसे पे करने होंगे। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंट की। अगर आप यहाँ पर उन लोगों के लिए ये बात है जो कि जिनकी शादी हुई है और इसी के साथ में वो अपनी वाइफ का एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से अपना एड्रेस चेंज करा सकते हैं। सबसे पहले उन्हें अपनी वाइफ का मूल निवास बनवाना होगा, ठीक है। इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ कि आखिर मूल निवास किस तरीके से बनवाना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र एरिया से हैं तो आपको वहाँ पर प्रधान है जो कि जिसे हम सरपंच भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं होगी क्योंकि काफ़ी अपने आसपास के जो छोटे बच्चे हैं उनसे पूछना, जो पढ़ने वाले हैं तो उनसे पूछना कि आखिर गाँव का सरपंच कौन होता है, तो उन्हें इस बात के बारे में पता नहीं होगा, तो प्रधान को ही हम सरपंच बोलते हैं, ठीक है। तो जो सरपंच हैं उनसे आपको वहाँ पर मोहर लगवा लेना है और वहाँ से एक सत्यापन लिख लेना है और इसी के साथ में उनका जो आपकी वाइफ है, ठीक है, उसका आधार कार्ड होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो जन सेवा केंद्र है डॉक्यूमेंट को ले जाकर, ठीक है, वहाँ पर आपको अप्लाई करवा देना है और इसी के साथ में आप प्रधान से बोल भी सकते हैं कि आप सेक्रेटरी से बात करें या फिर लेखपाल से बात करें, ठीक है। तो ऐसे ही वो उनसे कह देंगे कि हाँ इनकी जो शादी है वो हमारे ही यहाँ पर हुई है, तो ऐसे में ये है कि उनका जो मूल निवास है आपकी वाइफ का वो बन जाएगा, ठीक है। ये सबसे सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। और जैसे ही मूल निवास आपका बन जाएगा उसके बाद में आप आधार में यहाँ पर एड्रेस को चेंज करा सकते हैं। अब चेंज कराने के जो पैसे हैं वो आपको 50 रुपये यहाँ पर पे करने होते हैं एड्रेस को लेकर, ठीक है। इसी के साथ में जेंडर, अब ये काफ़ी बड़ी समस्या है, मैंने देखा था कि जेंडर भी लोगों का चेंज था, ठीक है। तो जेंडर, ये सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो जेंडर तो तभी पता चल जाता है, ठीक है, पर फिर भी लोगों के, मैं आधार कार्ड देख रहा था वहाँ पर कि उनमें जेंडर चेंज था, जैसे कि लड़का है तो वहाँ पर मेल होना चाहिए था तो वहाँ पर फीमेल था, और जहाँ लड़की का फीमेल होना चाहिए था वहाँ पर जो कि मेल था, तो ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर उल्टे सीधे कुछ जो आधार कार्ड थे वो पहले के बने हुए थे, ठीक है। उसके बाद में तो अगर ऐसे में आप यहाँ पर जेंडर चेंज कराते हैं तो आपको 50 रुपये की फ़ीस देनी होगी, एड्रेस चेंज कराते हैं तब आपको 50 रुपये की यहाँ पर फ़ीस देनी होगी, और आप यहाँ पर बायोमेट्रिक चेंज कराते हैं तब आपको 50 रुपये की फ़ीस देनी होगी, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर अपडेट कराते हैं तो उसका कोई भी पैसा नहीं जाता है, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप ईमेल आईडी यहाँ पर अपडेट कराते हैं या फिर चेंज कराते हैं तब भी आपको 50 रुपये पे करने पड़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप यहाँ पर नेम चेंज कराते हैं तब आपको 50 रुपये पे करने होंगे। मैंने ये चीज़ देखी थी कि मूल निवास में कुछ नेम और था, आधार कार्ड में कुछ नेम और था, और इसी के साथ में उनकी मार्कशीट थी उस मार्कशीट में नेम कुछ और था, ठीक है। तो ऐसे में यह है कि आप सबसे पहले क्या कराएंगे, जो मार्कशीट के हिसाब से कराना चाहते हैं तो मार्कशीट में जो भी नेम है पहले वो नेम आधार कार्ड में कराएंगे, उसके बाद में वो डेट ऑफ बर्थ भी आप आधार में करा लेंगे, तो ये सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि मार्कशीट है वो आपकी चेंजेस वहाँ पर नहीं हो सकती है, ठीक है, पर वहाँ पर आप आधार को कर सकते हैं, तो मार्कशीट के हिसाब से ही आप सारे डॉक्यूमेंट को वहाँ पर करवा सकते हैं, ठीक है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों इसी के साथ में अब हम जान लेते हैं, जैसे कि आपका मूल निवास बने आता है और आप यहाँ पर एड्रेस चेंज कराते हैं, फीमेल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जिन लोगों की शादी हो चुकी है, ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या करना होगा, उनके लिए एक मूल निवास ज़रूरी है, इसी के साथ में उनके पति का आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आधार कार्ड की जो डिटेल्स है वहाँ पर फिल करी जाती है, जैसे कि उनका नेम क्या है और वो कहाँ पर रहते हैं, ठीक है, इसी के साथ में जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पोस्ट और वो आखिर प्रूफ क्या दे रहे हैं, ठीक है, इसी के साथ में उनका पिन कोड क्या है, ठीक है, उनका आधार नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपके हस्बैंड की हैं वो वहाँ पर लगती हैं, ठीक है, अगर एक लड़की की शादी हो जाती है और वो वहाँ पर जाती है तब की, मैं एड्रेस चेंज करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ में उनके यहाँ पर सिग्नेचर भी चाहिए होते हैं क्योंकि इस चीज़ के लिए वो दावा करते हैं कि भाई हाँ ये मेरी वाइफ है और इस एड्रेस को यहाँ पर चेंज किया जाए, ठीक है। इसी के साथ में उसके बाद में जिसका
एड्रेस चेंज होना है उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं और बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।